हेलो एवरीवन, दिस इज आर के रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स प्रो सेक्शन चैप्टर सेकंड भारत इज माय होम व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर सेकेंड का समरी, जो प्रो सेक्शन का जो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है भारत इज माय होम, यानी भारत मेरा घर है, जिनके लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं कि आज का समरी क्या है। दोस्तों, आज का जो समरी है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बनाया है। सो आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, चैप्टर सेकेंड है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, जिनके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। गाइज, अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के थर्ड नंबर, यानी भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और अगर मुस्लिम की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम के प्रथम राष्ट्रपति थे, मुस्लिम प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके गाइस, सो चलिए देखते हैं गाइस, समरी है। समरी का जो फर्स्ट लाइन है वो लिखा हुआ, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, सो भारत इज माय होम का हिंदी मीनिंग होगा गाइस, भारत मेरा घर है। यानी गाइस, ये जो है भारत इज माय होम, ये प्रो सेक्शन का एक स्पीच है। यानी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे, उस समय ये शपथ ले रहे थे, प्रतिज्ञा ले रहे थे, उसी दौरान ये जो शपथ पत्र ले रहे, शपथ पत्र में जो लिखा गया बात था या फिर जो ये स्पीच दे रहे थे, वही लिखा हुआ एक भाग है यहाँ पे भारत इज माय होम के रूप में। यानी इनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, उस भाषण में जो ये शपथ ले रहे थे, वही शपथ को इसमें लिखे हैं भारत इज माय होम चैप्टर में। ओके, सो देखिए, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज व्हिच हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी कह रहा भारत मेरा घर है, यानी भारत इज माय होम जो है एन एक्सट्रैक्ट, ये क्या, एक सारांश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है गाइस सारांश, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सारांश। यानी ये जो भारत इज माय होम है एक सारांश है, एंड ए ब्यूटीफुल प्रोज, और ये एक सुंदर प्रोज है, काव्यखंड है, जो Which has been written by Dr. जाकिर हुसैन, जो क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए सेकेंड लाइन देखते हैं। सेकेंड लाइन है, He was a great and famous writer of English literature. और गाइज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये इंग्लिश साहित्य के महान और प्रसिद्ध कवि थे, महान और प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट लाइन है, In this speech he pledges himself to be loyal to the nation एंड वर्क फॉर इट वेलफेयर। सो दोस्तों, ये कहते हैं कि इस स्पीच में, इस भाषण में वो प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, प्लेज का मतलब क्या होता है गाइस, प्रतिज्ञा। तो वो इस स्पीच में, इस भाषण में प्रतिज्ञा लेते हैं टू बी लॉयल, यानी क्या, तो वफादार होने के लिए, फॉर द नेशन, यानी राष्ट्र के प्रति वफादार होने का वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, और एंड वर्क फॉर इट वेलफेयर, और इस देश की भलाई के लिए भी वो क्या करते हैं, इस देश की भलाई के लिए काम करने का भी शपथ लेते हैं। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो क्या करते हैं, खुद को शपथ लेते हैं, खुद शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के प्रति वफादारी से काम करेंगे और देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, ऐसा वो अपने शपथ पत्र में शपथ ले रहे हैं और भाषण के रूप में बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, ही सेज दैट दे हैड प्लेस्ड इन हिम टू इलेक्ट टू लीड ऑफ नेशन। वो कहते हैं कि दे हैड प्लेस्ड इन हिम टू इलेक्ट, वो कहते हैं कि जो लोग या फिर जिन्होंने मुझे
चुना है, जिन्होंने मुझे चुना है टू लीड ऑफ नेशन, यानी देश की या फिर कह सकते हैं राष्ट्र की लीड करने के लिए, राष्ट्र की नेतृत्व करने के लिए जो लोग मुझे चुने हैं उनके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, ऐसा वो अपने शपथ पत्र में शपथ ग्रहण के दौरान भाषण दे रहे हैं। ही टेक्स ओथ टू द पीपल ऑफ आवर नेशंस, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हमारे देश के लोगों को, हमारे राष्ट्र के लोगों को वो शपथ दिलाते हैं, कसम खिलाते हैं, क्या टू हेल्प ऑफ देम, वो हमारे देश के लोगों को शपथ दिलाते हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं उन सभी को मदद करें जिनको आवश्यक हो, जिनको ज़रूरत हो, यानी वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी चीज़ ज़रूरत हो उनको एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ऐसा वो सभी को क्या कसम खिलाते हैं, कसम दिलाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम पास्ट इज नॉट स्टिल एंड डेड, यानी अकॉर्डिंग टू हिम किनके अनुसार, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वो कहते हैं कि पास्ट इज नॉट स्टिल, यानी पास्ट यानी अतीत जो है ये स्थिर नहीं है, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर और पास्ट का मतलब अतीत, बीता हुआ, वो कहते हैं कि जो अतीत है वो स्थिर नहीं है, रुका हुआ नहीं है, एंड डेड यानी हमारा जो पास्ट है वो अभी तक रुका हुआ नहीं है, वो क्या खत्म हो गया, यानी जो पास्ट चला गया वो बीत गया, यानी जो अतीत था वो चला गया, उसके बारे में अब सोचना नहीं है, अब जो हम नए राष्ट्रपति के रूप में आए हैं अब हमें क्या करना है उसके बारे में सोचना है कि पिछली जो सरकार थी, पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या काम किया उसको हमें याद नहीं करना, उसको भूल जाना, वो डेड हो गया यानी वो पास्ट चला गया है, अब जो हम आए हैं, जो इलेक्ट होकर के आए हैं, अब हमें क्या करना है इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। ओके, नेक्स्ट है, इट इज एक्टिव एंड गिव्स अ प्लेस टू द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट। ओके, वो कहते हैं क्या ये जो हमें मिला, ये जो है क्या, तो हमें जो मिला है राष्ट्रपति का जो पद मिला है, इट इज एक्टिव एंड गिव्स प्लेस टू द डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट, वो कहते हैं कि मुझे जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ये मुझे पिछले जो कमियां हैं उसको गिनाने के लिए नहीं चुना गया है, मुझे इसलिए चुना गया है कि हमारी जो प्रेजेंट है, हमारे जो वर्तमान है उनका जो उद्देश्य क्या है, हमारी जो वर्तमान है उनकी जो उद्देश्य क्या है उसके ऊपर क्या डिस्कस करना चाहिए, वर्तमान में क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर हमें केयर करना है, ध्यान देना है। ओके, और कह रहे हैं कि डिटरमाइन ऑफ क्वालिटी, और कहते हैं कि जो प्रेजेंट है उसकी जो गुणवत्ता क्या है, उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें सोचना है, उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करना है कि प्रेजेंट में हमारे देश की जो सिचुएशन क्या है और क्या बेहतर होना चाहिए इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। ही सेज दैट एजुकेशन इज द मेन इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ओके, वो कहते हैं क्या कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, हमारे राष्ट्र का मेन उपकरण है, इनका मुख्य उपकरण है, जिससे क्या हो सकता है, इक्विपमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, कह रहे हैं कि हम पर्पस, ओके, पी यू होगा गाइस, पर्पस, पी यू आर पी ओ एस ई, पर्पस। ओके, वो कहते हैं कि जो शिक्षा है हमारे देश का मेन क्या है, इक्विपमेंट है, यानी मेन औजार है, और यही औजार से ही हम अपने देश की भलाई कर सकते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, अगर हमारे देश के लोग अगर शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक क्या हमारा देश शिक्षित होगा और हमारा देश भी डेवलपमेंट होगा, ऐसा उनका सोच है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, उनका जो सोचने की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी अपने देश के प्रति। ओके, नेक्स्ट लाइन है, ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर। उसके बाद गाइस कहते हैं वो क्या, ही प्लेजेज, वो प्रतिज्ञा लेते हैं, वो कसम खाते हैं, हिमसेल्फ यानी खुद वो प्रतिज्ञा लेते हैं टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, यानी हमारा जो बीता हुआ कल्चर है, हमारा जो बीता हुआ संस्कृति है उसके प्रति वफादारी के लिए वो कसम लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द नेशंस कल्चर, हमारी जो राष्ट्र की जो कल्चर है उसकी सेवा करते रहें, यानी कहने का मतलब वो कह रहे हैं क्या, हमें जो अतीत में जो हमें
संस्कृति मिली हमें, जो अतीत में जो कह सकते हैं कि आज़ादी मिली, संस्कृति मिली, और उनकी जो रक्षा, जैसे कि हमारे देश, हमारा देश पहले क्या था, 200 वर्षों तक गुलाम था, उससे आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे वीर सपूतों ने कुर्बानी दी, तो उनके द्वारा जो हमें देश आज़ाद करके दिया गया है, उस पास्ट कल्चर को हमें क्या करना है, बरकरार रखना है, और अभी जो प्रेजेंट में है इसकी संस्कृति को बचाए रखना है, ऐसा वो शपथ ग्रहण के दौरान बता रहे हैं। ओके गाइस, ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द वर्क फॉर स्ट्रेंथ प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द नेशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद वो फिर कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि वर्क फॉर स्ट्रेंथ, वो देश में काम करेंगे, किस लिए करेंगे, तो स्ट्रेंथ यानी देश की मजबूती के लिए काम करेंगे, देश की उन्नति के लिए काम करेंगे, एंड वेलफेयर और देश की भलाई के लिए काम करेंगे, ऑफ द नेशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस, यानी वो कहते हैं कि मैं अपने देश की मजबूती के लिए, उन्नति के लिए और देश की भलाई के लिए बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के हम अपने देश की उन्नति के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए, देश की भलाई के लिए काम करूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं अपने शपथ में। ही सेज दैट द वर्क हैज टू मेजर एस्पेक्ट्स। वो कहते हैं कि काम के दो मुख्य पहलू होते हैं, काम के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी काम के दो मुख्य पहलू होते हैं। दो मुख्य पहलू क्या होते हैं, तो देखिए गाइस, वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। वो कहते हैं कि काम के दो मुख्य पहलू होते हैं, एक तो खुद काम करना चाहिए आदमी को, खुद के लिए काम करना चाहिए, और दूसरा पहलू कि आदमी को अपने समाज के लिए भी काम करना चाहिए, ऐसा वो अपने शपथ ग्रहण के दौरान बता रहे हैं भाषण में। वो कहते हैं कि काम के क्या दो मुख्य पहलू है, एक तो आदमी को खुद के लिए, स्वयं के लिए काम करना चाहिए, दूसरा क्या, दूसरे के भलाई के लिए भी काम करना चाहिए, दूसरे समाज के लिए भी काम करना चाहिए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज, सो वी कैन से दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोज। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सुंदर क्या है, प्रोज है, स्पीच है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। अगर गाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।